up beneath the bed before you go to sleep. Keep up, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to fall. Don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. दोस्तों देख सकते हैं पीछे जो है पहाड़ है और हमारा गांव जो है पूरे पहाड़ों के बीचों बीच में यहां पर बसा हुआ है। चारों ओर से पहाड़ हैं और घाटी में टाइप का यहां पर बसा हुआ है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारे जो घर है ये है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं अभी हूँ रोड में और पीछे आप लोग देख सकते हैं वो हमारा घर है और चारों देख सकते हैं वो पहाड़ हैं पूरे। और यहाँ से हम जाने वाले हैं कि ये रोड है, रोड से दिखाने वाले हैं, ऊपर को जाएंगे और टॉप से दिखाएंगे कैसा यहाँ पे व्यू लगता है पहाड़ का। और ये है हमारी गाड़ियाँ जो यहाँ पर रहती हैं और काफ़ी बैड रोड है क्योंकि अच्छा तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर कच्ची रोड है, अभी डामर भी नहीं हो रखा है। दोस्तों आप लोग देख सकते पीछे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ टाइप का है और यहाँ से जो है लैंडस्लाइड होती काफ़ी ज़्यादा और उसके बाद जो है ये रोड ब्लॉक हो जाती है और बारिश के सीजन में ज़्यादा पानी यहाँ पे आता है और नीचे खाई टाइप की भी है और नदी है यहाँ पे, पानी ज़्यादा काफ़ी आता है यहाँ पर जब बारिश के सीज़न होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी घना जंगल है और जो इस एरिया में है यहाँ पर जो है गाय चराने के लिए जैसे बैल है चराने के लिए इस एरिया में आते हैं। और इस यहाँ पर जो टॉप है उसके पीछे साइड पे थोड़ा सा मैदान टाइप का है, वहाँ हम जो है क्रिकेट खेलने के लिए एक टाइम में बच्चों में जाया करते थे। और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं, अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चारों ओर जो है चीड़ के पेड़ ही नज़र आएंगे। और यहाँ पर आपको अलग अलग स्रोत मिलेंगे पानी के, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो है मेनली हर जगह से पानी रहता है पहाड़ों में और इतना ठंडा पानी होता है जैसे प्लेन्सों में यहाँ पर जो मैदानी इलाकों में रहता है हमारा फ्रिजों का पानी, सेम उससे ज़्यादा ठंडा यहाँ पर जो है हमारी जो नेचुरल पानी होते हैं वो रहते हैं। और यहाँ से जो है पानी का स्रोत है और यहाँ से एक गांव है नीचे, यहाँ से जो है पानी वहाँ जाता है और ये सप्लाई होता है, टैंकी टाइप की बनी हुई है और ऊपर आप लोग देखते हैं धारा टाइप का। और ये जो है काफ़ी ख़तरनाक एरिया है हमारे यहाँ का कि ऊपर से आप लोग देखोगे काफ़ी घना है, यहाँ पर जंगली सुअर है और यहाँ पर बाघ है, उनका आना जाना अक्सर लगा रहता है इस एरिया में। और ये पानी का स्रोत देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी रहता है हमारे यहाँ पर, देखते हैं। और इसे हम आसानी से पी भी सकते हैं और पीने के लिए सारे
पानी जो है शुद्ध रहते हैं, नेचुरल रहता है यहाँ पे। और वहाँ अगर आप लोग को एक छोटा सा घर दिख रहा होगा बीच में, तो वहाँ है हमारा घर। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ यहाँ पे अपने घर के ऊपर, जस्ट ऊपर पे। और ये जो है घर नीचे आप लोग को दिख रहे होंगे, हालांकि यहाँ से पेड़ लग रहे हैं, कुछ कुछ एक कार घर दिख रहे होंगे। ये हमारा गांव है। और काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारा गांव का नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तो मैं उनको बता दूं कि ये जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है और माणा गांव है इसका नाम। और ये वाला माणा नहीं जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आखिरी गांव बॉर्डर पड़ता है, वो वाला माणा नहीं है। तो ये जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का एक माणा गाँव है, छोटा सा गाँव है ये भी। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारे खेत हैं ये हमारे गाँव के, और नीचे जो है गाँव है हमारा ये, और ये पूरा गाँव हमारा बसा हुआ है। और कम से कम 50-60 जो है घर होंगे यहाँ पर। और जो मेरा वाला घर था वो इसके आगे वाला था, पहाड़ है हमारे यहाँ के। और ये जो है इंटर कॉलेज है ये वाला जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। और उसके बाद से ये जो है हरिनाथ मंदिर है जो ये वाला आपको दिख रहा है। और यहाँ आठू का फेमस मेला लगता है हमारे गाँव में, और नवरात्रि के टाइम में जो है नृत्य टाइप के यहाँ पर लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मनरेगा के तहत जो है रोजगार मिल रखा है गाँव वालों को, और ये टैंकी इनके बनाने का काम चल रखा है। जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो 10 मीटर है, और ये जो है 5 मीटर है, और जो गहरा है ये कम से कम 1.5 से 2 मीटर के बीच में यहाँ पर है इसकी गहराई। यहाँ मच्छी पालन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जो है पानी संरक्षण के लिए बन रहा है जंगल में, और सरकार से आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए दो बने हुए साथ में, एक उस साइड भी बना हुआ है। और दिहाड़ी कितनी मिल रही है चाचा? दिहाड़ी कहाँ मिलती है वो? वैसे मनरेगा के तहत है ना ये, तो 204 के समथिंग है ना कुछ, तो उतना मिल इसका कोई पता ही नहीं है रेट का। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे जॉब कार्ड के अंदर आ रहे हैं? तो ये जॉब कार्ड में जो है एंटर होंगे इनके पैसे अकाउंट में। तो यहाँ पे कितने लोग हैं एक डिग्गी में? एक डिग्गी में कितने लोग हैं? 5। एक डिग्गी में 5 लोग हैं, 5 उधर हैं, 2 डिग्गी में। कितना दिन लग गया इसको बनाने में? इसमें आज तो 15 दिन हो गए, अभी 2 दिन और लगेंगे। तो गांव का जो है स्वरोजगार खुद का ही एक रोजगार समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने घर के लिए या पिरूल टाइप का होता है जो चीड़ के पेड़ से नीचे गिरता है, उसको इकट्ठा करके सूखी घास ये टाइप का गाय भैंस के लिए बिछोने के लिए बनाना पड़ता है। बारिश लगना स्टार्ट हो चुका है, और अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उस एरिया में अगर देखोगे तो धूप है। कभी ऐसा होता है वहाँ वाले जो एरिया है वहाँ बारिश होती है, तो इस साइड हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है। और अभी यहाँ पे बारिश है तो वहाँ बिल्कुल धूप नज़र आ रही है। अब बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं ये हमारे गाँव के खेत हैं, काफ़ी बेहतरीन खेत लग रहे हैं। और वहाँ एक गाँव है भट्टी गाँव, और उधर जो है एक आप लोग देख रहे होंगे वहाँ मैंने प्राइमरी की पढ़ाई की थी, और वो करड़िया गाँव है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा देवल बिचराल जो कि हमारा पोस्ट ऑफिस इसी एरिया में आता है। और देख सकते हैं पहाड़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और बेनाक का जो एरिया है वो सारा एरिया जो पर्वत वाला है वो सारा बेनाक वाला एरिया है, काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। अभी फिर से बादल आ गए हैं, थोड़ी देर पहले धूप थी। तो ये हमारा रोड है कच्ची वाली रोड, अभी कुछ भी नहीं हो रखा है, 1-2 साल बने हुए हैं, डामर वामर कुछ नहीं हो रखा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है।